वेलकम टू संजरी गर्मी। मेरा नाम है मोहम्मद अर्शद। आज हम स्टार्ट करेंगे जीरो से हिंदी। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आपका जो मोबाइल है उसको जब वीडियो प्ले करोगे, सबसे पहले देखो साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब आएगा, उसको बटन को दबाना है, फिर उसके बाद बेल आइकॉन दबाना है, शेयर करना है। फ्रेंड्स, इतना हो गया। इतना हो गया। ओके, अगली वीडियो में मिलेगा। वेलकम टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम जकाउल्ला। स्टार्ट करने वाले हम नया टॉपिक के साथ आया हूं आज मैं, अलजेब्रा। क्या लेके आया हूं मैं आज? अलजेब्रा। इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, अलजेब्रा। ठीक है, ये अलजेब्रा है बेटा, एक मैथ्स की ब्रांच है। क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा, इधर ध्यान देंगे, मैथ्स की एक ब्रांच होती है अलजेब्रा होती है। क्या होती है? अलजेब्रा होती है। एक और ब्रांच होती है, इसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। पे अटेंशन, इसे हम क्या कहते हैं? जियोमेट्री। एक और ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं हम कैलकुलस। समझ में आ रहे? कैलकुलस। एक और ब्रांच होती है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ज्योमेट्री में भी कई ब्रांचेस है बेटा, आप लोग आगे जब पढ़ेंगे बीएससी एमएससी पढ़ेंगे तो इसमें भी कई ब्रांचेस है, इसमें भी कई ब्रांचेस। ये मेरा टॉपिक्स नहीं है, खाली आप लोग को रफ डायग्राम में ये समझा रहा हूँ नॉर्मली। अलजेब्रा के भी आगे चल के टाइप्स निकलते बेटा, ठीक है, कई टाइप्स निकलते, वो मेरा टॉपिक्स नहीं है। खाली इतना समझो कि अलजेब्रा जो है कहाँ से निकला है, किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, इतना होने के बाद ये जो अलजेब्रा है बेटा, अलजेब्रा कहां से निकला? इसका नाम था पहले, ये निकला है अपना अरब से निकला है। कहां से निकला है? अरब से निकला है। इसको पहले वहां के लोग अलजबर कहते थे। क्या कहते थे? अलजबर कहते थे। फिर धीरे 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 इसका नाम चेंज होते होते क्या हो गया इसका, इसको लोग क्या बोलने लगे? अलजेब्रा कहने लगे। क्या कहने लगे? अलजेब्रा कहने लगे। अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हम हिसाबी तसाउद उर्दू में, थर्ड चैप्टर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंग्लिश में कहते हैं बेटा। प्रोग्रेशन को समझने से पहले, जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक को समझने से पहले हमें समझने पड़ेगा कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन बेटा, प्रोग्रेशन के तीन टाइप्स होते हैं। ये तो एक चैप्टर है, प्रोग्रेशन के तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको ए डॉट पी बोलते हैं। एक होता है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीन टाइप्स के प्रोग्रेशन होते हैं। दसवीं में खाली अपने को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इलेवेंथ में है, वो आप लोग को इलेवेंथ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। प्रोग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। पहला क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसे कहते हैं। दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे है, कहते किसे है, ये समझने का हमें। पे अटेंशन, अर्थमेटिक को समझने से पहले मेरा टॉपिक्स क्या है? अर्थमेटिक क्या है बेटा, इधर ध्यान देंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? तो आतीर को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? तो आतीर। तो आतीर मतलब सिक्वेंस। उर्दू इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सिक्वेंस कहते हैं। दिखेगा सबको सिक्वेंस? हाँ बेटा, ये सिक्वेंस है, यानी कि तो आतीर है, ठीक है। तो आतीर तो हो गया अपना, तो आतीर किसे कहते हैं पहले ये समझे। जैसे मैं एक नंबर लिखता बेटा, 2 4 6 दिख रहा है, 8 10 8 10 डेड। ये एक तरीके की क्या है मेरे पास? तो आतीर एक तरीके की क्या है? सीक्वेंस है। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस के भी दो टाइप होते हैं बेटा। किसके टाइप्स में बता रहा हूं? सीक्वेंस के। सीक्वेंस के दो टाइप है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? तो आतीर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? दो टाइप्स के सीक्वेंस होते हैं, दो टाइप के तो आतीर होते हैं, एक महदूद तो आतीर, एक लामहदूद तो आतीर। समझ में आ रहा है? इसको समझेंगे फाइनाइट सीक्वेंस क्या है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? फाइनाइट का मतलब क्या? जो महदूद हो, लिमिटेशन हो।
जिसे हम गिन सकते हैं। लोग ऐसा कहते हैं फाइनाइट का मतलब, लोग ऐसा कहते हैं कि फाइनाइट सर गिन सकते हैं, इनफाइनाइट को गिन नहीं सकते। 100 में से 95% लोग डेफिनेशन ये कहते हैं सर फाइनाइट का मतलब गिनना, इनफाइनाइट को हम गिन नहीं सकते, फाइनाइट को गिन सकते हैं। ये गलत है, जो के गलत है। मैं क्या बोल रहा हूं, पे अटेंशन। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं लिखता हूं बेटा, एक सीक्वेंस लिखता हूं, 1, 2, 3, 4 डेट डेस डेट डेस डेस डेस, और आखिरी टर्म मैंने दे दिया 10। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, हम इसकी एंडिंग है, लास्ट टर्म मालूम है हमें, ये क्या है लास्ट टर्म हमें पता है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, मैं ले लेता हूं मिसाल के तौर पर, इसी को ले लो, 1, 2, 3, 4, 5 डेट डेस डेट डेस, ये और इसमें देखो और इसमें देखो फर्क क्या है, इसका लास्ट टर्म हमें पता है इसलिए क्या हो गया, ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, और इसका लास्ट टर्म हमें पता नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। इन शॉर्ट देखो, गिना दोनों को जा सकता है, गिना दोनों को जा सकता है, फाइनाइट को भी गिन सकते हैं और इनफाइनाइट को भी गिन सकते हैं। देखो मैं गिन रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, गिनने पर यह फाइनाइट खत्म हो जाता है और इनफाइनाइट गिन तो सकते हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक है बेटा। फाइनाइट को भी काउंट, फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ आर काउंटेबल, बट फाइनाइट इज इनफ, लास्ट में खत्म हो जाता है। हमारी एक हाद होती है, एक लिमिटेशन होती है, समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट में हम मेरी कभी कितना भी गिनते रहो कभी खत्म नहीं होगा, ये समझ में आ गया। तो आतीत की दो किस्में होते हैं, एक होता है फाइनाइट होता है, एक होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देखिए, पे अटेंशन, इतना रफ करने के बाद, ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस हमने समझ चुके। तो आतीत क्या था, अभी तक मैंने समझाया नहीं हिसाबी तसावुफ की, अभी तक मैंने बताया नहीं हूं। हिसाबी तसावुफ को समझने से पहले हमने समझना पड़ता है तवातीर क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस तो हम समझ चुके, सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, ये तो हम समझ चुके। उसको भी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा टर्म्स क्या है, किसको समझने से पहले, अर्थमेटिक को। अभी तक समझाया नहीं हूं, अभी तक मैंने समझाया नहीं हूं, पे अटेंशन। अर्थमेटिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा टर्म्स क्या होता है सीक्वेंस में, टर्म्स, टर्म्स, ठीक है। टर्म्स क्या होता है ये समझना पड़ेगा। टर्म्स का मतलब होता है, टर्म्स को टी से, स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। पहला रहेगा तो उसको बोलते हैं टी वन, दूसरा टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा टी टू, तीसरा टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे टी थ्री, और ऐसा कर करके मैं लिखता हूं टी टेन लिखता तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, दसवां टर्म है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 3, 5, 7, 9, 11 डेट डेट, सबसे पहले ये क्या है बेटा, सीक्वेंस है। क्या है ये, सीक्वेंस है, समझ में आ रहा है। सीक्वेंस तो मैं आप लोग को बता चुका था, अभी आप लोग बताएंगे कि ये कौन सी सीक्वेंस है। सर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि हम गिन तो रहे हैं लेकिन कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। सर आपने बताया था टर्म्स का मतलब, जो पहला रहेगा उसको क्या बोलेंगे टी वन बोलेंगे, जो दूसरा रहेगा उसको क्या कहेंगे टी टू बोलेंगे, जो तीसरे नंबर पे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे टी थ्री बोलेंगे, चौथे नंबर को फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। समझ में आ रहा है, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स, इसका मतलब कि ये टर्म्स है बेटा। इसको उर्दू में कहते हैं रुक्न कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं रुक्न कहते हैं, समझ में आ रहा है। इंग्लिश उर्दू मीडियम वाले भी साथ में चलते रहेंगे, समझ में आ रहा है, उसको उर्दू में क्या कहते हैं रुक्न कहते हैं। दिख रहा है सबको, यहां भी इधर एक बार वापस से लिख देता हूं मैं बेटा, टर्म्स को उर्दू में क्या कहते हैं हम रुक्न कहते हैं, समझ में आ रहा है। ये पहला रुक्न है, उर्दू वाले कैसे बोलेंगे, पहला रुक्न, दूसरा रुक्न, तीसरा रुक्न, चौथा रुक्न, पांचवा रुक्न। अभी तक मैं हिसाबी तसावुफ नहीं समझाया, अभी तक नहीं सर, समझाएगी कब पूरा तो हो ही गया, अभी कब समझाएगी, अभी भी नहीं हुआ है, अभी मजा नहीं आया, अभी देखिएगा और समझेगी। ये तो हो गया सर, सर हिसाबी तसावुफ को समझने से पहले हमें सीक्वेंस को समझना पड़ा। सीक्वेंस तो समझ चुके, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर उसके बाद हमने रुक्न को समझ चुके, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, ये भी समझ गए। अभी एक होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस को समझे, इसको उर्दू में बोलते हैं मुस्तरिक रुक्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मुस्तरिक कहते हैं। मुस्तरिक का मतलब क्या होता है, पे अटेंशन सब लोग, इधर ध्यान देंगे, अभी तक हिसाबी तसावुफ मैंने समझाया नहीं हूं, इधर ध्यान देंगे, अभी तक अपने नहीं समझे, इतना होने के बाद इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। मेरा क्या बताने का, कॉमन
कॉमन डिफरेंस, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, मुश्तरिक कहते हैं। क्या कहते हैं उर्दू में? मुश्तरिक, मुश्तरिक कहते हैं उर्दू में। समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना होने के बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? मुश्तरिक कहते हैं। जैसे कि एक मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं, अच्छा इसको इंग्लिश में, इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं बेटा। किसे इंडिकेट करते हैं? डी से इंडिकेट करते हैं। डी जब भी मैं लिखो तो समझ जाना ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, मुश्तरिक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, सेम 3, 5, 7, 9, 11 डेट डेट इनफाइनाइट सेट है बेटा। इसके अंदर T1 क्या है अपने पास, इधर दिख रहा है सबको, दिख रहा है, इधर दिख रहा है T1 कितना अपने पास, 3। T2 कितना है अपने पास, T2 बोले तो कितना है, 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? T2 अपने पास कितना है, 5 है। T3 कितना है अपने पास, 7 है। T4 कितना है अपने पास, 9 है। T5 कितना है अपने पास, समझ में आ रहा है? T5 कितना है अपने पास, 11 है। इतना होने का डी निकालने का तरीका क्या बेटा, आगे वाले को, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से क्या कर देना, सबट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना? सबट्रैक्ट कर देना, यानी कि T2 माइनस T1। मिसाल के तौर पे इन दोनों का मुझे क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस निकालना है। तो ये क्या करेगा, आगे वाले से अपने आप को माइनस कर देगा, यानी कि T2, ये T2 था, ये T1 था, ये T3 है, ये T4 है। समझ में आ रहा है? आ रहे कि नहीं? ये क्या है, T3 है, ये T4, ये T5। इन लोग का डिफरेंस निकालना है मुझे तो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं, इन लोग का माइनस करूंगा, डिफरेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला है बेटा, समझ में आ रहा है? यानी दूसरे रुक में से पहला रुक माइनस करेंगे, कितना अपने पास, 5। माइनस T1 कितना अपने पास, 3। 5 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा, 2। तो अपने को डी कितना मिल गया, 2 मिल गया। इसका डिफरेंस कितना मिला, 2 मिला। अब इसी तरीके से इसका भी डिफरेंस निकाले, इसका डिफरेंस निकालना तो क्या करना पड़ेगा, आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है अपने को, रटना नहीं, बस इतना याद रखना है कि आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से क्या करना है, अपने को सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पे अटेंशन। अब अपने को इसका एक और डी निकाल दे बेटा, इधर ध्यान दीजिए। डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 कितना है बेटा अपने पास, T3 कितना है, 7 है। 7 माइनस T2 कितना है, 5 है। 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 2 बचा सर। तो ये अपने को क्या निकल गया, इसका डिफरेंस निकल गया 2। फिर इसका डिफरेंस निकालना है बेटा, तो कैसा निकालेंगे बोले, इधर सबको दिख रहा है, इधर ध्यान देंगे कैसा इन लोगों का डिफरेंस निकालना है। तो क्या डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा बेटा, 9 में से T4 कितना है, 9 है। तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 माइनस T3 कितना है, 7 है। तो कितना है, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2। इन लोगों का भी डिफरेंस कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब इन लोगों का डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा बोले, तो D इज इक्वल टू T5 माइनस T4 कितना हो जाएगा, T5 की वैल्यू कितनी है, 11, माइनस T4 की वैल्यू कितनी है, 9। समझ में आ रहा है कितनी वैल्यू है, 9 है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 2 बचा। सर एक चीज आप लोग गौरव फिक्र कर रहे हैं, सबका डिफरेंस कितना आया, 2 आया। सबका डिफरेंस कितना आया, 2 आया। दिख रहा है सबको? गौर से देखेंगे, सबको एक चीज गौर करेंगे, हर एक टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन लोगों का भी डिफरेंस 2 आया, इन दोनों का भी डिफरेंस 2 आया, इन लोगों का भी डिफरेंस 2 आया, इन लोगों का भी डिफरेंस 2 आया। डेफिनेशन सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, पे अटेंशन। अगर किसी उर्दू मीडियम वाले पहले सुनेंगे, अगर किसी त्वातिर का मुस्तरिक फर्क क्या हो, एक जैसा हो, यानी कि डी की वैल्यू क्या हो, सेम हो, एक जैसा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिसाबी तसाउत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हिसाबी तसाउत कहेंगे। समझ में आ रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे इंग्लिश में, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं सर, त्वातीर के सबका डिफरेंस, जो त्वातीर है, जो अपना सीक्वेंस है, उन लोग का अगर डिफरेंस सबका सेम आ जाए, डी की वैल्यू सबकी सेम आ जाए, तो उस सिक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया? ये सिक्वेंस कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है सर। समझ में आ गया? इंग्लिश मीडियम वाले टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस रहेगा बेटा, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अर्थमेटिक तो समझ में आ गया, कैसा समझा पुणे, सीक्वेंस को समझे, फाइनाइट इनफाइनाइट कॉमन डिफरेंस को समझे, टर्म्स को समझे। अच्छा एक चीज और बता देता बेटा, लास्ट वन मोर थिंग, T1 को बेटा AB बोलते हैं, T1 को
ए भी बोलते हैं। ऐसा मत सोचना आप लोग टी टू को बी बोलेंगे, टी थ्री को सी बोलेंगे, टी थ्री ऐसा कुछ नहीं है, खाली टी वन को ए बोलेगी बेटा। समझ में आ रहा है? इसको लिख के ले लो बेटा। देखो बेटा कोई भी चीज हो, मैं बार बार इससे पहले वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को जो मेरी पहली वीडियोस थी उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दिया था, करना है तो करना है, करना है तो करना है, ये तो मैं बता चुका हूँ। आप लोग को पेन और कॉपी लेके बैठना है, बार बार मैं रिपीटेशन नहीं करूंगा, ठीक है। और एक और चीज, वन मोर थिंग बेटा, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ। जो अपनी सोच है ना बेटा, अपनी सोच को ना किस तरीके से कैलकुलेट करने का, मैं क्या एक स्टेटमेंट ध्यान देके पे अटेंशन, मैं क्या बोल रहा हूँ, योर लिमिटेशन डिपेंड्स ऑन इमेजिनेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हारी हद है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी औकात है, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ, जो तुम्हारी इंसान की जो एबिलिटी है जो रहती है, किसके ऊपर डिपेंड रहती है, इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड रहती है। जितना ज्यादा लोग इमेजिनेशन करेंगे उतना उसको समझ में आएगा। इमेजिनेशन पहला करो, क्या करो, प्रैक्टिस बाद में करो। लोग कहते हैं प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ठीक है, लेकिन पहले क्या करना है, हमें इमेजिनेशन करना है। हम इमेजिनेशन करते हैं, अरे मैं वकील बन गया, जज बन गया, ये बन गया, वो बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, ऐसा इमेजिनेशन करते हैं लोग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इमेजिनेशन करते हैं, हाँ मेरी शादी होने वाली है। समझ में आ रहा है, इमेजिनेशन, जहां तक तुम सोचोगे, जितना सोचोगे उतना तुम्हें सीखने मिलेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, योर लिमिटेशन डिपेंड्स ऑन इमेजिनेशन, लिमिटेशन डिपेंड्स ऑन इमेजिनेशन। अपने इमेजिनेशन को बढ़ाओ, जिसकी सोच जहां तक उसका खुदा वहां तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट को गौर से सुनेगी, जिसकी सोच जहां तक है उसका खुदा वहां तक है। किसी की सोच चांद तक तो उसका खुदा चांद तक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सोच के ऊपर डिपेंड है। कोई सोचता है मैं आपके आपकी पूजा करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसकी सोच जहां तक उसका खुदा वहां तक। तो अपने इमेजिनेशन को बढ़ाओ, मैथ्स को पढ़ना है तो उसके अपनी इमेजिनेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना आज के लिए काफी है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, आगे ध्यान देंगे, पे अटेंशन। ये तो हो गया, करना है ठीक है, क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। समझ में आ रहा है, वो भी मैं आप लोग को बताया था, वन पिक्चर इज बेटर देन थाउजेंड वर्ड। इसी तरीके से ध्यान देंगे, अपने इमेजिनेशन को तैयार कर देंगे। अब मैं पूछता बेटा, कैसा पहचानेंगे कि हिसाब किताब सौद है। ये बोलने का मेरा एक ही मकसद था, जो मैं पढ़ाया उन लोग को याद है कि नहीं आप लोगों को। आप थोड़ा जोर डालो, अपने इमेजिनेशन पे जोर डालो। इतना मैं बकबक किया, समझ में आया नहीं आया, अपने इमेजिनेशन पे जोर डालो। क्या बताया था मैं, इमेजिनेशन करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सर वो होता है अगर सबका डिफरेंस सेम आ जाए तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अगर सेम नहीं रहेगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा। समझा मैंने क्या बोला, क्लियर है, ओके। अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, बुक बताओ मेरे को थोड़ा सी, इधर ध्यान देंगे। दसवीं की चैप्टर नंबर थर्ड अलजेब्रा का अपन पढ़ रहे हैं, सिक्स पेज नंबर 61 पे, एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें सवाल पूछा है, दर्ज जैल में से कौन से तवाती हिसाबी तसाउद है। क्या बोल रहा है सवाल, देखो उधर स्क्रीन पे लिख क्या है बेटा, क्या बोल रहा है, दर्ज जैल में से कौन से तवाती हिसाबी तसाउद है, अगर हिसाबी तसाउद हो तो, अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरिक फर्क मालूम कीजिए। देखो सवाल कुछ इस तरीके से दिया, आपने को बताना है कि हिसाबी तसाउद है या नहीं, हिसाबी तसाउद है या नहीं अपने को बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले आइडेंटिफाई द, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, आइडेंटिफाई द प्रोग्रेशन विच इज अर्थमेटिक और नॉट। सवाल कुछ इस तरीके से पूछ रहा है कि आप लोग आइडेंटिफाई करो कि जो नीचे दिया गया प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, अपने को बताना है पहली चीज, ठीक है बेटा। अब तक के हम लोग ने पढ़ चुके हैं साबित तसाउद क्या है क्या नहीं, अभी अपने को आइडेंटिफाई करना है हाउ टू आइडेंटिफाई द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अपने को पहचानना है कि साबित तसाउद है या नहीं। अपने पास क्वेश्चन है बेटा, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से कुछ दिया हुआ है बेटा। एक क्वेश्चन 3.1 का पहला सवाल है, अपने को बताना सबसे पहले आप जब पूछेगा ये हिसाबी तसाउद है या नहीं। दिख रहा है सबको, ऊपर दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ तक क्लास तक दिख रहा है, ठीक है। देखो इधर पे अटेंशन, यहाँ पे आप लोग को सवाल दिया रहेगा, एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सवाल है अपने पास बेटा, 2, 4, 6, 8 ऐसे सवाल जी, अपने को बताने के हिसाब से साउथ है या नहीं। बताने से पहले उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेगी बेटा, हल लिखेगी, हल। समझ में आ रहा है,
अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले अपने को बताना पड़ेगा कि T1 क्या है, अपने पास 2 है। T2 कितना है अपने पास, T1 मतलब क्या बेटा, फर्स्ट टर्म। T1 मतलब फर्स्ट, T4 टर्म, T2 मतलब क्या, सेकेंड टर्म। समझ में आ रहा है, सेकेंड टर्म के अपने पास 4 है। T3 का मतलब क्या होता है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है 6 है। T4 क्या है अपने पास बोलो तो बेटा 8। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। ये होने के बाद T1 T2 T3 T4 अपने निकाल लिए, फिर इसको अपने को बताना है कि हिसाबी तसाव है या नहीं। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कैसे डिफरेंस निकालेंगे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। T2 माइनस T1 तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी अपने पास 4 है, 4 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या मिल गया अपने को, D मिल गया बेटा। समझ में आ रहा है, इसका डिफरेंस अपने को कितना मिला, 2 मिला। फिर इन लोगों का डिफरेंस निकालेंगे, तो कैसा निकालेंगे, T3 माइनस T2। तो इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, तो क्या आएगा ये T3 माइनस T2, तो कितना हो जाएगा बोले तो बेटा, T3 की वैल्यू कितनी अपने पास 6 है, तो 6 माइनस T2 की वैल्यू कितनी अपने पास 4 है, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अपने को क्या मिल गया, D मिल गया। समझ में आ रहा है, इसका भी, इसका अपने को कितना मिला था डिफरेंस, 2 मिला था। इसका भी कितना मिला, 2 मिला। अब इसका चेक करते हैं, ठीक है, इधर ध्यान देंगे। D इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, T4 माइनस T3। फॉर्मूला क्या बनाया, T4 माइनस T3, ये क्या हो जाएगा बेटा, T4 की वैल्यू कितनी अपने पास 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा बोले तो बेटा, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो सबका डिफरेंस सेम आया है, इसका भी डिफरेंस सेम आया, इसका भी डिफरेंस सेम आया, इसका भी डिफरेंस सेम आया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हिसाबी तसावुफ कहेंगे। क्या कहेंगे, हिसाबी तसावुफ कहेंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है। कैसे लिखेंगे आंसर में, कैसे लिखेंगे, दिया हुआ त्वातीर का मुस्तहिल, उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, दिया हुआ त्वातीर, उर्दू मीडियम वाले जवाब में लिखेंगे ऐसा, दिया हुआ त्वातीर हिसाबी तसाउद है। ठीक है, दिया हुआ हिसाबी तसाउद, या जवाब में दिया हुआ तो आते हिसाबी तसाउद है, क्योंकि 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 मुश्तरिक फर्क, क्या लिखेंगे, मुश्तरिक फर्क यानी डी मसावी है। क्या है, मसावी है। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, बिकॉज बिकॉज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, ऐसा लिखना है आप लोग को। ठीक है बेटा, लिख के ले लिए। ठीक है बेटा, अब तक हम लोग हिसाबी तसावुफ पढ़ चुके, मैं एक क्वेश्चन करा चुका कि कैसा हिसाबी तसावुफ को पहचानना है, तरीका क्या, फॉर्मेट क्या लिखने का। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको घर पे सॉल्व करो, नहीं आएगा देखते हैं पहले। इधर ध्यान देंगे, कुछ क्वेश्चन लिख के लो बेटा, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 2, 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, यहां पे दिख रहा है सबको, दिख रहा है, अच्छा। अभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, -10, -10, -6, -2, 2। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 0.3, 0.33, 0.33, 0.333। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है,
पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, ध्यान देंगे, पे अटेंशन। पांचवा क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया, -1/5, -1/5, -1/5, ठीक है, छठा क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिए इधर, थ्री प्लस रूट टू कॉमा थ्री प्लस टू रूट टू, ठीक है बेटा। ये सवाल नंबर सात हो गया। सवाल नंबर आठ देखिए, सवाल नंबर आठ क्या बोल रहा है, 127, 130, 132, ठीक है, 130, 132, 137, ठीक है। देखो बेटा ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है, देखो मैंने बोर्ड पे लिख चुका हूं बेटा, ए 2, -5/2, जितने भी क्वेश्चन है अपने को बताना है कि हिसाबी तसावुफ है या नहीं, दिख रहा है सबको, दिख रहा है बुशरा, दिख रहा है पक्का, ओके डन, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, सेम वही मेथड से अपने को करना है, T1, T2, T3, T4, T5 सबका डिफरेंस फाइंड करेंगे, अगर डिफरेंस सेम रहा तो वो हिसाबी तसावुफ है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर डिफरेंस सेम नहीं रहा तो वो हिसाबी तसावुफ नहीं रहेगा बेटा। एक चीज और, वन मोर थिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा है, बाकी आप लोग उसको प्रैक्टिस करो। सवाल नंबर 3.1 का सवाल नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, आठ क्वेश्चन है बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करो। जो नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कमेंट आए उसके हिसाब से मैं वो क्वेश्चंस करा के दूंगा बेटा। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, इतना होने के बाद अगर मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे बेटा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी कहे, और याद से ये सब क्वेश्चन कर लेना बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा। जो नहीं आता कमेंट बॉक्स में मुझे बोले सर मुझे चौथा नहीं आ रहा, सर छठा कैसे करेगी, सर सातवा कैसे करेगी, सर आठवा कैसे करे, जो भी आप लोग को डाउट से जो नहीं आ रहा मुझे बोले, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। बी केयरफुल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना काफी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।